दोस्तों, मैं हूँ अंजू और आपको स्वागत है मेरे किचन में। आज मेरे किचन में बना है वड़ा पाव, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और नाश्ते के लिए बहुत ही फेमस है। तो चलिए आज ये वड़ा पाव घर पे बना के दिखाएंगे। रेसिपी को पूरा एंड तक देखिए, उम्मीद करते हैं आपको रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा। अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मसाला बना लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इन सभी को मिक्सर के जार में डाल लेंगे और इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। इसको सूखा दरदरा सा थोड़ा पीस लेना है। तो देखिए मैंने इसको रेडी कर लिया है। अभी यहाँ पर मैंने 3 से 4 आलू को अच्छे से उबाल के मैश करके रख लिया है। तो ये आलू के साथ ये जो मिक्सर में एक मसाला बनाया है, ये दोनों का एक चाट बनाएंगे। तो इसके लिए फ्राई पैन में 1 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई का दाना, अभी डाल देंगे थोड़ी सी जीरा, इसमें ऐड करें थोड़ी सी हींग। तो देखिए मैंने थोड़ी सी हींग यहाँ पर डाल दिया है। बस इन तीनों को अच्छे से भुनने के बाद ये कड़ी पत्ता और धनिया का जो मिक्सर है इसको डाल देंगे। इसको डालने के बाद गैस का फ्लेम कम कर दे और इसको धीरे धीरे पका लीजिए। तो देखिए मैंने इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अभी यहाँ पर ऐड करेंगे हम आलू। तो मैश किया हुआ सारा आलू इसमें डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ी सी धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये दोनों को डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर आलू का चटनी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको अभी एक बर्तन में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख लेंगे। यहाँ पर अभी बेसन का घोल बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए 2 कटोरी जितना बेसन ले लिया है। 2 कटोरी बेसन ले लेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये तीनों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा बैटर बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। तो देखिए इस तरीके से इसको घोल ले रहे हैं। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। ये पूरा रेडी हो चुका है। अभी हमारा आलू का जो चटनी बनाए थे वो भी ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। अभी उसका बॉल्स बना लेंगे। तो देखिए मैंने हाथ पे यहाँ पर थोड़ा तेल लगा लिया है और धीरे धीरे से इसका जितना भी बॉल बनेगा हम बना के रख लेंगे साइड में। तो देखिए यहाँ पर सारा बॉल्स हमारा रेडी हो चुका है और इसको फ्राई करने के लिए मैंने तेल भी गरम कर लिया है। तो तेल को पहले से चेक कर लीजिए थोड़ा सा बेसन डाल के। तो देखिए बेसन भी ऊपर आ गया है, मतलब तेल गरम हो गया है। अब यहाँ पर आलू का जो बॉल्स है उसको बेसन में कोटिंग करके तेल में डाल देंगे। तो देखिए धीरे धीरे से प्रोसेस करना है क्योंकि तेल बहुत ही गर्म है। तो मैंने यहाँ पर वड़ा डाल दिया है। इस तरीके से हम यहाँ पर 4 वड़ा डालेंगे। तो इसको चारों तरफ से हिलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पर वड़ा जो है चारों तरफ से ब्राउन हो गया है, इसको अभी निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है।
अभी यहाँ पर बाकी का वड़ा फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से आप घर में वड़ा पाव बनाओगे तो सभी लोग आपका तारीफ करेंगे और बाहर का खाना छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से आप बहुत ही सावधानी से तेल में डालिए, नहीं तो आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हो। तो मैंने सारा वड़ा जो है अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है और साथ ही में इसमें थोड़ी सी चटपटा लाने के लिए यहाँ पर थोड़ी मिर्ची फ्राई कर लेंगे। तो मिर्ची को थोड़ी सी कट्स लगा लेना है और इस पर फ्राई कर लेना है। तो मिर्ची फ्राई करने के बाद ऊपर से थोड़ी सी नमक डाल देंगे मिर्ची के ऊपर। तो देखिए चटनी बनाना है, इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ी सी मूंगफली डाल लिया है। मूंगफली को ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए जस्ट भून लेना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है इसको। 2 मिनट के लिए रोस्ट करने के बाद इसको मिक्सर के बर्तन में ले लिया है। यहाँ पर डाल देंगे 2-3 लहसुन की कली और डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। आप चाहे तो कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली यूज़ कर ले या फिर तीखा वाला जो आपको पसंद है। इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक और इसको सूखा ही पीसेंगे, पानी बिल्कुल मत ऐड कीजिए। तो देखिए सूखा चटनी हमारा बनके तैयार हो गया है। वड़ा पाव का सारा प्रोसेस यहाँ पर बनके तैयार है। अभी यहाँ पर मैंने लादी पाव ले लिया है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो लादी पाव लेने के बाद इसको जैसे दुकान में बनाते वैसे ही बनाना है आपको। यहाँ पर पाव को बीचों बीच से फाड़ लेना है और चटनी लगा लेना है। आप चाहे तो गीला चटनी भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने शेंगदाने की चटनी डाल दिया, अंदर एक वड़ा डाल देंगे, फिर ऊपर से एक मिर्ची डाल देंगे और थोड़ी सी प्याज या गोभी जो आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। तो गरम गरम वड़ा पाव खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो आप भी शाम के नाश्ते में एक बार ट्राई कीजिए इसको बना के। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि कैसा बना। वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ।